उस साइड भी जाएंगे कि उसके मतलब पास में इधर से जाते वक्त हमें चाहिए ना, इधर उधर से मत कर, उसके साइड का दो कौन से वो बता, इधर उधर इधर इधर किधर। अरे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है 12:54 और हम लोग 5 बजे सतारा पहुंच गए। गोवा से आते ही सो गए, सो जाने के बाद अभी उठे और 12:30-1 बजे, और उठने के बाद जो बॉडी पेन हो रहा है और जो थकान आ चुकी है, मतलब लिटरली मैं से कैसे बात कर रहा हूँ मुझे ही पता है। अभी आशु तेरा क्या सीन है? नींद तो बिल्कुल भी कम, नींद बिल्कुल भी नहीं हुई है रे। मतलब मेरा आँख इतना दर्द कर रहा है कि ऐसे लग रहा है क्या ये ऑफिस नहीं रहता ना, मैं अभी आज उठा ही नहीं रहता। सच्ची में इतना मतलब ऐसे लग रहा है क्या ये ऑफिस का काम, आज का दिन कैसा तो करके मुझे निकालना पड़ेगा। और सतारा पहुँचते ही मतलब अभी सुबह उठने के बाद पापा ने बोला कि हमें जाना है कोकन। उनका पहले से प्लान रेडी था, उन्होंने अपने दोस्त को बोला कि आकाश आने के बाद हम लोग जाएंगे कोकन। तो उन्होंने बोला कि रहने का, खाने का, कहाँ पे घूमने का और जाने का वो सब कुछ तू देख, होटल वगैरह वो सब कुछ तू देखने का। तो अभी अभी उठते, अभी उठने के बाद पहले खाना खाएंगे क्योंकि भूख बहुत लगी है। कल रात को जब हम लोग बैठे थे तब बहुत मतलब खाना ही नहीं खाया था मुझे, मतलब ट्रैवलिंग में से खाना खाना पसंद नहीं है। तो पहले खाना खाएंगे फिर प्लानिंग करने के लिए बैठेंगे, और आज कुछ भी नहीं करेंगे, प्लान करेंगे और फिर ये ऑफिस का काम करते करते लेट कर काम करूँ तेरा। तो ये सीन है। और खरीद गया है दादाजी के पास, उसकी नींद पूरी है, वो टकाटक है एकदम, वो खेल रहा है उसका मस्ती में। तो पहले अभी खाना खाते तो चलो खाने के लिए बैठता। तो गाइस अभी खाना खाने के लिए बैठा हूँ और आज खाने में है भाकरी और बैंगन। A few moments later. तो गाइस अभी फ्रेश होने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने मतलब मस्त गर्म पानी से अभी नहाया और नहा धोने के बाद भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो पहले अभी बनाते प्लान, क्योंकि कोकन में कभी गया नहीं हूँ, मतलब गया था लेकिन बहुत छोटा था तब गया था। तेरा मैं भी तक लेकिन उसके बाद नहीं गया। तो अभी वहाँ के बीचेस के बारे में पता करना है, पहले तो होटल्स के बारे में पता करना है, वहाँ का स्टे कैसा है। खाना तो हमें फिश ही खाना है मोस्टली, और मैं तो वही चाहिए फिक्स है वो तो। और मम्मी ने एक बीच बता के रखा है मुरुर, तो मुरुर के पास के दो बीच देखना है अभी। मुरुड जंजीरा वाला मुरुड नहीं बोला है ना, दूसरा वाला नहीं, 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 दूसरा है। मुरुड जंजीरा अलग है और ये मुरुड अलग है, ये दापोली के वहाँ का मुरुड अलग है। हमें दापोली को जाना है ना, तो दापोली वाला है ना। हाँ चिको, तो आकाश वहाँ पे उस साइड भी जाएंगे कि उसके मतलब पास में इधर से जाते वक्त हमें चाहिए ना, इधर उधर से मत कर, उसके साइड का दो कौन से वो बता, इधर उधर इधर इधर किधर। अरे नहीं वैसे नहीं, मेरा कहना है कि मतलब उधर आगे क्या है उसके साइड का बता ना, पहले दो तीन से कितना होगा ना, बन जाएंगे लगेगा। मुरुड तो जाना है हमें, एक्चुअली 3 दिन का प्लान करना है। आकाश एक कर दे बीच है, कर दे बीच, कर दे और सलदूरे, और ये क्या है सलदूरे, नहीं रे सलदूरे गांव का नाम है शायद वहाँ पे, मुरूर उसके आगे सलदूरे है, और फिर हरने, तो हरने एक बंदर है, हरने पोर्ट है के मुरूर एक करेंगे और कर दे करेंगे है ना। और कौन सा लाडघर बीच करके एक है, लाडघर वहीं पे पास में ही है लाडघर ना, बस इतना ही करेंगे, ज्यादा दूर नहीं, 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 वो ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करेंगे, वो 2 दिन का 3 दिन का अपना जाना होता है। अच्छा, और उसमें भी हमारी तो गाइस हमने 3 बीच फाइनल किए हैं, अभी 4 है ना, 4 है। हाँ ये बताया और अपन ने 3 निकाले ना। ओके तो मुरुड कर दे, हरने और लाडघर है ना, ये देख एक लाइन में है क्या। हाँ ये देख ना, ये लाडघर है, ये कर दे, ये मुरुड़े और ये हरने, बस। अच्छा ये करेंगे। तो गाइज बीच तो हमारे फाइनल हो गए कि हमें
ये बीच पे जाना है। तो अभी बीच की जगह डिसाइड करते कि कौन से बीच पे रहना है। एक तो वो सेंटर रहना चाहिए बीच की जगह एक तो सेंटर रहना चाहिए दो दो बीच के बीच में और नहीं तो एक दिन एक बीच पे रहेंगे, दूसरे दो दिन का दूसरे बीच पे रहेंगे। ठीक है, तो होटल का निकाल, अभी होटल ही इम्पोर्टेंट है। गो आई भी वो, या फिर हाँ। मैं सब जगह पे ट्राई करेंगे जहाँ का गो आई भी हो सही। देख पहले देखते रुक जगह अगर लेकिन मैंने से सुना है कि एक्टिविटी सारी कर दे बीच पे होती है करते तो, क्या? हाँ, जो वाटर एक्टिविटीज वगैरह रहता है ना वो सारा कर दे बीच पे कर दे का। हम लोग ऐसे राउंड 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 करेंगे, मतलब ये इस बीच पे जाना तो रहना है, नहीं तो जाना ही है, मतलब दोनों में से एक जाना तो है ही हमें। हाँ जाना तो है ही, तो रहने का देखेंगे। फिश का मार्केट किस पे रहता है? गिर गया फिश का मार्केट रहता है हरणे हरणे मुरूर को भी रहता है ना, मुरूर को भी रहता है क्या? मैंने हरने सुना है या मुरूर हरने तो वो देखेंगे। फिश का मार्केट, हरने फिश का मार्केट बंदर है ना, तो यहाँ पे होगा मेरे हिसाब से फिश बंदर होता है ना। फिर हो गया ना, एक करदे पे देख ले एक हरने पे देख ले, लेकिन हरने का पानी अच्छा नहीं आता। ठीक है, मतलब ये दो बीच पे तो जाना है, करदे हरने। तो अगर होटल की मैं पहले लिस्ट निकालती हूँ, पहले मैं सॉर्ट आउट करती हूँ कि बीच बीच पे कौन से होटल है, बीच को लग के है ना। एक दिन बीच का ले ले, एक दिन थोड़ा अंदर का मिला नहीं रे भाई, मुझे दो तीन दिन, तीन ही दो दिन जाना है, तीन चार दो दिन ना। हाँ फिर बीच के ही होटल चाहिए मुझे, तीन दिन जाना उसमें से भी अंदर का और बाहर का क्या करने का, बीच का ही लेना। ठीक है देख, बीच पे ही रहना है मुझे। देखा कैसे होटल्स, होटल्स अभी ये देख, होटल ये है किनारा, कोकन किनारा, ये वहाँ पे ना कुछ ऐसे सारे सिंपल सिंपल ही होटल दिख रहे हैं मुझे। होम स्टे है, होम स्टे टाइप। हाँ वैसे मतलब ऐसे अच्छा अच्छा होटल मुझे कोई दिखा ही नहीं, और जो है ना वो अंदर है, वो मतलब अंदर की साइड में, बाहर की साइड में मुझे कोई होटल दिखा ही नहीं है, मतलब ऐसे अच्छा वाला। एक ही है बीच पे में मुझे अच्छा लगा, वो सुरली एक का कुछ तो भी नाम दिख रहा है उसका, मैं देखो दिखा दिया अभी ऊपर गया कितना है कॉस्टिंग उसका, 5,000-5,500 है। हाँ ये दिन का, तीन दिन का, एक दिन का रे भाई, एक दिन का 5,500 ये तो भाई गोवा से भी महंगा निकला फिर। हाँ वैसे ही है देख, अभी अरे देखना ये सारे नंबर से, उसके बाद ये सारी लिस्ट, ये देख ये देख ये बाप रे, ये, ये सारा मुझे अभी कॉल करना इन सब नंबर पे तो अभी थक गई हूँ क्योंकि सुबह से ट्राई कर रही हूँ मैं आकाश। ये देख ये मेरे सारे कॉल भी किए इन नंबर्स पे, ये हो गया है, और अभी देखना पड़ेगा कौन से होटल पे मिलती है रूम कौन से नहीं, ये सारे नंबर आकाश के अंकल ने भेजे अभी मुझे, सबको कॉल करना पड़ेगा आशु को, क्योंकि अगर आज ही नहीं बुक किया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आज हमारे पास एक ही दिन है, कल हमें बैकपैकिंग करना है, पूरा दिन चला जाएगा मेरे कपड़े आशु के खरीद के, खरीद का बाकी सामान, बाकी सारा सामान और गोवा से आया है वो धोने के लिए डालना है, वो सुखाना है, ये लेके जाना है, बहुत हेक्टिक होने वाला है। तो बहुत सारे लोगों को कॉल करना है, अभी दो होटल का बुक किया है हमने, लेकिन पता नहीं कि कैसे है कैसे नहीं है, वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। तो गाइज अभी बहुत सारे कॉल करने हैं, तो इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में, बाय बाय।